सभी हमारे फिटर स्टूडेंट्स रीडिंग के लिए तैयार हैं, पढ़ने के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि फिटर और इलेक्ट्रीशियन का सेकेंड ईयर का जो रिज़ल्ट है वह आ चुका है। जो हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स थे वो अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं और अपने अपने रिज़ल्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि शायद आपके साथ में कोई है तो वो देख लें। तो आज हम आप लोगों को लेथ मशीन के पार्ट के ही बारे में बताएंगे। इसमें हमारा है ऑपरेशंस का जो चल रहा है उसी के बारे में हम बताएंगे। आज हम बताएंगे रीमिंग। रीमिंग एक ऐसी क्रिया है जो होल के अंदर की जाती है, ठीक है, होल के अंदर की जाती है। पहला बिंदु दिया गया है इसका कि ड्रिलिंग क्रिया से बने होल को परिशुद्ध या फिनिश करना, यानी चिकना बनाना, रीमिंग कहलाता है। दूसरा है कूलेंट की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। कूलेंट हमारा सबसे साधारण कूलेंट तो हमारा पानी है और बाकी कूलेंट हमारे केमिकल्स और तरह तरह के पदार्थों से बने होते हैं। कूलेंट का प्रयोग करना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि कूलेंट का प्रयोग अगर हम नहीं करेंगे रीमिंग के समय तो रीमर भी ख़राब हो सकता है और हमारा होल जो अंदर से परिशुद्ध करना चाह रहे हैं वह अच्छे से परिशुद्ध या फिनिश नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है रीमर की फीड ड्रिलिंग फीड से अधिक रखी जाती है। रीमर या रीमिंग क्रिया करते समय फीड जो रखी जाएगी वो अधिक रखी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा पार्टिंग ऑफ। जॉब के लेथ मशीन पर बन जाने के बाद, लेथ मशीन पर जब जॉब हमारा बन जाता है तो उसके बाद उस जॉब को रॉ मटेरियल में से या वर्क पीस में से हमें बने हुए जॉब को अलग करना होता है, क्योंकि लेथ मशीन पर जो जॉब बनते हैं वह एक साइड से बनते हुए चले आते हैं। बेलनाकार कोई रॉड है या ठोस कोई भी पदार्थ है उसमें से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक लंबा सा हमारा बेलनाकार वर्कपीस है। इस वर्कपीस में से हमने एक जॉब तैयार किया है। ये हमारा जॉब है, ठीक है, ये जॉब हमारा बनकर तैयार हो गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसको हमें यहाँ से अलग करने की जब आवश्यकता होगी तो किस टूल का प्रयोग करेंगे या किस क्रिया के द्वारा करेंगे, तो वह क्रिया है हमारी पार्टिंग ऑफ। और जो टूल प्रयोग करेंगे वह कटिंग टूल होगा, ठीक है। इस कटिंग टूल के द्वारा इससे भाग को ए और बी में अलग अलग कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसको कई बार पूछा गया है। टर्निंग व टेपर टर्निंग लगभग समान है। टर्निंग तो आप लोगों ने देखा होगा और नहीं देखा है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब आप ऑपरेशन करेंगे तब ये टर्निंग क्रिया आपको देखने को मिलेगी या करने को मिलेगी। नेक्स्ट है टेपर टर्निंग से शंकु आकृति बनती है। टेपर टर्निंग जब करेंगे हम तो शंकु आकृति बनेगी, जैसा कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक शंकु आकृति बनकर तैयार हुई है। देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक,
एक शंकु बन गया, कोन। यही है हमारी टेपर टर्निंग, जैसा चित्र में दिखाया गया है। इसमें दो डाया दिए गए हैं, एक डाया ये है हमारा बड़ा डाया D1 और छोटा डाया जो है वो D2। डी का मतलब है डाया, ठीक है। और बाकी कटिंग टूल हमारा इसको टर्निंग कर रहा है, इस दिशा की ओर टर्निंग करते हुए आगे को जा रहा है। तो चित्र से आप लोगों ने समझा होगा, तो टेपर टर्निंग में शंकु आकृति बनती है या फिर टेपर बनता है। अब जो क्रिया है टेपर टर्निंग की वो कितनी तरह से की जा सकती है, तो दी गई है फार्म टूल से कर सकते हैं हम, कंपाउंड स्लाइड के द्वारा कर सकते हैं, ये हमारे लेथ मशीन पर आसानी से कर सकते हैं हम, ठीक है। ये क्रियाएँ हैं, ऑफसेट से भी कर सकते हैं, ऑफसेट विधि भी है हमारी एक टेपर टर्निंग करने की, ये है हमारी ऑफसेट। थर्ड, फोर्थ है हमारा टेपर रीमर से, टेपर रीमर के द्वारा भी हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ नोट करने योग्य बिंदु आपको बताने जा रहे हैं। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के समय, अगर कास्ट आयरन के जॉब में या कास्ट आयरन के वर्कपीस में हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो उस समय हमारे लिए किसी भी प्रकार के कूलेंट का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंस है ये वाला पहला, ठीक है। यहाँ पर एक मैं और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर हम एल्यूमिनियम के जॉब में ड्रिलिंग करेंगे तो वहाँ कूलेंट हमें कैरोसिन का देना पड़ेगा, जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ठीक है। एल्यूमिनियम में कैरोसिन, ठीक है। सेकंड है हमारा हाई स्पीड स्टील से माइल्ड स्टील की टर्निंग कर रहे हैं, तो हमारी जो स्पीड है वह 25 से 31 मीटर प्रति मिनट होनी चाहिए, इससे अधिक या कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है जिग तथा बुश टूल स्टील के बने होते हैं। बुश तो देखे ही होंगे, बैरिंग की जगह पे इनका प्रयोग किया जाता है, कि अगर गोलियों वाला बैरिंग या कर रहे हैं और वहाँ पर हमें बुश बैरिंग लगाना है, तो बुश बैरिंग डायरेक्ट होता है, ये बुश पर कार्य करता है। नेक्स्ट है जॉब की सही होने की जांच गेज से करेंगे। गेज हमारे कई प्रकार के होते हैं, चाहे वह कोई सा भी गेज हो, फिलहाल हम जॉब की जो सही होने की जांच है वह गेज से करेंगे, ठीक है। जैसे वर्नियर हाइट गेज या कोई अन्य गेज भी, हम ऐसे बहुत सारे गेज हैं हमारे। नेक्स्ट है बोरिंग क्रिया के समय फीड अधिक देने से चैटरिंग होती है, यानी चैटरिंग की आवाज़ आने लगती है, तो फीड अधिक नहीं देंगे, जितना हमें लिमिट में चाहिए उतना देंगे। नेक्स्ट है टाइपिंग, लेथ मशीन से टाइपिंग क्रिया भी की जाती है, और टाइपिंग क्रिया वह है कि सुराग यानी छेद में चूड़ी बनाना, किसी भी अंदरूनी सुराग में, मान लीजिए ये होल है, इस होल में अंदर को हमें चूड़ियाँ बना दे रहे हैं, यही हमारी ठीक है, इस होल के अंदर चूड़ी बना देना, यही हमारी टाइपिंग क्रिया है।